नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मंडे वार इंडिया यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको सरसों की 5 उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे। आप सभी को पता है कि सरसों की बुआई का समय आ गया है, तो अगर आपके एरिया में ये 5 किस्में उपलब्ध है तो आप इन 5 किस्मों को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली किस्म का नाम है पायर 5210। ये बायर कंपनी की किस्म है। आप सभी ने इस कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। इस किस्म को पकने में 125 से 130 दिन लगते हैं और इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 180 सेंटीमीटर की होती है। उत्पादन की बात करें तो इसके बीज इस किस्म के बीज लगभग 13 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लगभग 13 क्विंटल, किसी किसान भाई के पास 12 क्विंटल भी हो सकती है, किसी के पास 14 भी हो सकती है। ये सब तापमान और जलवायु पे भी निर्भर करता है। दूसरी किस्म श्रीराम 1666। इस फसल की पकाई इसमें भी पकाई का अवधि 125 से 130 दिन ही है और पौधों की ऊंचाई लगभग 160 सेंटीमीटर है और उत्पादन लगभग 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। तीसरी अच्छी किस्म की बात करें तो यह है अब एडवांटा 414। इस किस्म के बीज पकने में 120 से 130 दिन लेते हैं और इसमें पौधों की ऊंचाई लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। उत्पादन की बात करें तो लगभग 11 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लिया जा सकता है। अब चौथी किस्म की बात करें तो किस्म का नाम है पायनर 45S40। ये नॉर्थ इंडिया की बहुत ही प्रचलित किस्म है। इसमें फसल को पकने में लगभग 120 से 130 दिन लगते हैं। पौधों की ऊंचाई लगभग 170 सेंटीमीटर होती है और उत्पादन लगभग 12 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाता है। पांचवें किस्म की बात करें तो पांचवें किस्म दोबारा से बायर कंपनी की ही है, जो कि 5122 है। इस फसल की अवधि सभी बायर बीजों की तरह 125 से 130 दिन ही है और पौधों की ऊंचाई लगभग 165 सेंटीमीटर पाई जाती है। इसका उत्पादन लगभग 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। तो दोस्तों, ये थी प्राइवेट हाइब्रिड बीज जो कि आपको अच्छी पैदावार देते हैं। अगर आप अपनी फसल को बोकर बाजार में बेचना चाहते हैं तो इनका उपयोग जरूर करें। इनके अलावा अगर हम सरकारी बीजों की बात करें तो उनमें इन प्राइवेट बीजों के मुकाबले बहुत ही कम पैदावार होती है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ नाम बता देते हैं जिससे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप उनको घर में यूज़ के लिए, तेल निकालने के लिए यूज़ करना चाहते हो तो उन फसलों को आप बो सकते हो, उन किस्मों को आप बो सकते हो। सरकारी कंपनियों की ये 3 किस्में बहुत ही पॉपुलर है। एक है पूसा करिश्मा के नाम से, जिसका उत्पादन लगभग 10 क्विंटल के लग प्रति एकड़ के लगभग होता है। दूसरी है लक्ष्मी RH8812, जिसका उत्पादन 9 से 10 क्विंटल होता है। और तीसरी है RH0749। ये किस्म को आप कंपेयर करोगे तो इसका उत्पादन प्राइवेट किस्मों के लगभग बराबर होता है, तो आप इस किस्म को भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 प्राइवेट बेहतरीन किस्में और 3 सरकारी किस्में। अगर आपने इनमें से किसी भी किस्म को ट्राई किया है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और उत्पादन की भी जानकारी दें। इनके अलावा अगर कोई और इससे अच्छी किस्म है जो अच्छा उत्पादन देती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी सहायता मिले। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।